हेलो यूपीएससी स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक नंबर 64 के बारे में आज चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो क्या करिएगा, जितने भी सेशन है उसको जरूर देखिए। 200 टॉपिक आएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यार, पूरी कोशिश की आपके एग्जाम में मिले। आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट की जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको नहीं पता है, लेकिन देखो ये सब चीजें लगातार खबरों में रहती हैं। एग्जाम टाइम में एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, कब पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता होता। तो सेंटर ने क्या किया है, जो हमारा केंद्र सरकार है, उसने कंस्टिट्यूट किया था एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, ठीक है, जो किसके जो क्या करेगी, एक तरह से दो चीजें यहाँ पे आई है। एक तो ये अथॉरिटी रही, दूसरा है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है इसके लिए, इंटरलिंकिंग ऑफ द टू रिवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है वो किसके बराबर काम कर रही है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसके बराबर इसको पावर्स दे रखी हैं। आगे ध्यान रखिएगा कि जो ये काम कर रही है ये किसके अंतर्गत काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, और जो भी फंड वगैरह होगा प्रोजेक्ट का वो इसी अथॉरिटी के आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान। अगर आगे बात करें, ये जो स्टीयरिंग कमेटी है ये क्या है, ध्यान रखिएगा, इस स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा, मतलब जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, जल शक्ति मंत्रालय का जो सेक्रेटरी है वो होगा, ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो फंक्शन क्या है, ये जितने भी फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, मतलब जो भी कह सकते हो ना कानूनी जितनी प्रक्रिया है इसकी, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है ना, इसके तहत जो भी इसके लॉन्ग पॉलिसी होंगे उन सभी कंडीशन को अप्रूव कौन करेगा, यही कमेटी अप्रूव करेगी, स्टेट कमेटी अप्रूव करेगी। और एक बात, जो भी बजट होगा या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो एनुअली लग रहा है उसका अप्रूवल यही देगा, यही उसको एग्जाम। देखो पैसा कौन देखा, भले ही ये अथॉरिटी करे लेकिन कम से कम ये जो कमेटी है ना ये सब कुछ देखेगी, बजट देखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, इसको एग्जामिन करेगी हर चीज। और उसके बाद मान लेते हैं कोई ऑपरेशनल इशू आता है बनाने में, भाई काम चल रहा है ना तो कोई इशू आ गया, कुछ हो गया, तो वो सभी चीजें रिसॉल्व कौन करेगा, यही कमेटी ही रिसॉल्व करेगी। और आगे ये कमेटी कब मिलती है, साल भर में 2 बार ये मिलेंगे, और इनका जो कोरम है वो कितना होगा, जितने भी मेंबर्स हैं इसके उसका 2/3, बस इतनी बात ध्यान रखना, 2/3 उसका क्या होगा, कोरम होगा, मतलब कम से कम मीटिंग में इतने लोग 2/3 लोग शामिल हों तभी मीटिंग हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ये क्या है। जैसा आप सबको पता है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से है, केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी जाने की बात कही है। यूपीएससी क्या कर सकता है, यही उल्टा कर देगा, कहेगा बेतवा रिवर से केन में पानी जाना है, ऐसा नहीं है। वाटर फ्लो कहाँ से करें, केन से बेतवा, ध्यान रखना इस बात। आगे इट एम टू एड्रेस द पेनेरियल वाटर स्कार्सिटी, जो कह सकते हो कि एक रीजन है बुंदेलखंड का, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी, जो एमपी और यूपी के बीच का एरिया पड़ता है, इस वजह से बहुत ज्यादा हालत देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो उस एरिया में पानी जाने की, यही इसका एम है इस प्रोजेक्ट का। अगली बात है, देखो चिंताएं भी कुछ है, चिंताएं यह है कि ये जो इसके ऊपर जो एक डैम बन रहा है जिसे दौधन बांध कहा जाता है, ये कुल जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना इसका लगभग 7.6% हिस्सा डूब जाएगा। इसी को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि हम क्या कर रहे हैं, जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके घर को ही खींच, उसको लेकर बात उठी थी, लेकिन सब मामला सॉल्व हो गया है। अभी एक मैप से समझते हैं, जैसे आप देखिए ये केन नदी है, ये केन नदी है और ये है बेतवा, ठीक है, यहाँ से ये पानी जा रहा है इसे, ठीक है, आप देख ही रहे हो, और ये बुंदेलखंड वाला इलाका है पूरा, ठीक है, तो ये बहुत ही बीहर इलाका है, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, यहीं पे ये लिंकिंग की जा रही है, ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ की सीधे सी बात है, अगर नदी जा रही है तो ये एरिया तो पूरा पानी से काम हो जाएगा, यहीं से हम बहुत सारी नहरें निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा काम हो सकता है, जो ये हमेशा सूखा पड़ जाता है यहाँ पे, हमेशा प्रॉब्लम रहती है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। अब देखिए कुछ और भी प्लान चल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पहला प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग का, ठीक है, लेकिन कुछ और भी हैं, कुछ और भी ड्राफ्ट पॉलिसीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा, और कुछ ऐसे 5 प्रोजेक्ट और हैं,
उन प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना, यूपीएससी मैच कराने को दे सकती है। तो पहला क्या हो जाएगा, दमन गंगा और पिंजल नंबर एक, दूसरा पार तापी नर्मदा, ठीक है, तीसरा गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पिन्नार और पिन्नार कावेरी, ये पांच नदियों पे भी क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे क्या किया जाएगा, इन नदियों के बीच को जोड़ा जाएगा ऐसे ही, जिससे बीच में जो सूखा क्षेत्र है वो खत्म हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो केन बेतवा के अलावा पांच और हैं, इन पांच को ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो जिससे गलती ना हो आपसे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करिए, समय कम बहुत कम बचा है।